चैनल आज है प्रॉब्लम नंबर 6। आज हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग कैसे निकालते हैं जब किसी बॉडी में से उसके अंदर से कोई बॉडी निकाल दी जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला, जो हम सीबीएसई में पढ़ते हैं, उस मेथड से हम नहीं करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे ना एक स्फेयर दिया हुआ है और इस स्फेयर के अंदर से एक छोटा सा स्फेयर और निकाल दिया गया, एक स्फेयर के अंदर एक स्फेयर निकाल दिया गया है और ये जो जो स्फेयर निकाला गया है उसका डायामीटर आर है, यानी बड़े वाले का स्फेयर का रेडियस है आर है और छोटे वाले का डायामीटर आ रहा है, वो निकाल दिया गया है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि पूरे का मास, पूरे का जब ये इसको प्रॉब्लम को आप दो हिस्सों में डिवाइड करो। देखो एक बड़ा स्फेयर था जिसमें से कुछ भी नहीं निकाला था, मान लो उसका मास एम था, और उसमें से माइनस करना है आपको एक छोटा वाला स्फेयर जो उसमें से निकाला जा चुका है, जिसका मास मुझे नहीं पता है कितना है, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, इज इक्वल टू ये वाली फिगर जिसमें से हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें से दो स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले जो छोटा वाला है इसका मास निकालना है मुझे कितना है, ये वाला जो पहले वाला है ये मास मेरा m1 हो जाएगा, दूसरे वाला मास मेरा m2 हो जाएगा, मुझे m2 फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज़ करते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम रेशियो होता है। देखो पूरे स्फेयर का मास कितना है, पूरे स्फेयर का मास एम है, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। ये बात हो रही है बड़े वाले स्फेयर की। अब जो छोटा वाला स्फेयर है उसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी निकालनी है, तो उसका मास एम टू है जो कि मुझे नहीं पता है, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 π, उसका रेडियस r/2 होगा क्योंकि उसका डायामीटर r था। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा जो है 8m2 आएगा। देखो पूरा सॉल्व करके दिखाया था बच्चों को, 4/3 π देखो दोनों तरफ कट जाएगा, r³ से r³ भी कट जाएगा, तो यहाँ m बचेगा, यहाँ 8m2 बचेगा, तो m2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m/8। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू m/8 है। अगर m1 मेरा m है तो m2 मेरा m/8 है। ना फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, एक लाइन का फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है m1x1 माइनस m2x2 अपॉन में m1 माइनस m2, बीच में माइनस होता है अगर हम किसी को मतलब निकालते हैं अगर। तो m कैपिटल मास था, अब जो x1 है पहले वाले मास की जो पोजीशन थी, तो पहले वाला मास जो था वो सपोज करो कि आपका ओरिजिन पे था, तो जीरो उसकी x पोजीशन होगी जीरो, तो आपको लिखना है इन टू में जीरो माइनस, दूसरा वाला कितना था m/8, उसकी एक्स पोजिशन देखते हैं कितनी है। ऊपर चलो, ऊपर वाले डायग्राम से नज़र आएगा आपको, ये आपको नज़र आ रहा है कि ओरिजिन है, लो बच्चों को दिखा देते हैं, ब्लू से दिखा रहा हूँ। देखो ये पहले वाले का था, दूसरे वाले का यहाँ पे था, ये कितना होगा r/2, तो दूसरे वाले की एक्स पोजिशन कितनी हुई r/2। नीचे लिखोगे m-m/8, रिजल्ट कितना आएगा चेक करो, रिजल्ट आएगा माइनस का mr/16 ऊपर है, नीचे आएगा 7m/8। काट के लिख देते हैं कितना कितना आएगा, देखो m से m काट दो, 8 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर बच रहा है माइनस का r/2, नीचे बच रहा है 7। वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का r/40। इतना पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की अगर उसमें से मास निकाल देंगे तो। इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय।